सो हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है मेरी न्यू वीडियो के अंदर। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो जिसमें बिगनर से सबसे ज़्यादा होते हैं कंफ्यूज, वो है कि सबसे पहले हम अपनी वोकल्स पे EQ लगाएं या हम अपनी वोकल्स पे कंप्रेसर लगाएं। सो पहले मैं आपको इसका ही जवाब देना चाहूँगा। इसका जवाब यही है कि वो आपकी वोकल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सबसे पहले EQ लगाना है या आपको सबसे पहले कंप्रेसर लगाना है। जैसे कि आप ये मेरे टीवी स्क्रीन पे, जैसे कि आप ये मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मेरी वोकल्स हैं, अमृत भाई की वोकल्स हैं, अखियां नू रहण दे गाना जो आप सभी ने सुना। पहले हम सुन लेते हैं। अखियां दे कोल कोल चन पर देसिया, पहले मैं इसमें सब कुछ बंद कर देता हूँ, जो भी मैंने अपने लगाए थे फर्स्ट नंबर पर रखा था उसको मैंने बंद कर दिया। आप रो वोकल सुनो सर। अखियां नू रहण दे, अखियां दे कोल कोल। सो आप जैसे कि देख सकते हो, जो इसमें हमारा ये जो पहले अखियां नू रहण दे जो हमारी लाइन है वो एक फ्लैट में जा रही है, उसके बाद जो अखियां दे कोल कोल वो आप देख सकते हो कि उसमें भाई ऊंचा भी गा रहे हैं नीचे भी गा रहे हैं, मतलब एक फ्लैट में नहीं है। सो सबसे पहले कंप्रेसर का काम क्या होता है, वो होता है कि आपकी जो वोकल्स है उसको वो करता है कंप्रेस, जिससे कि वो एक ही फ्लो में आ जाती है, जिसमें आपको EQ आपका अच्छे से हो सकता है। अगर मैं इसमें पहले EQ करता हूँ, मैं चलो EQ भी कर दूंगा, बट जो मेरी वोकल्स जो ऊपर नीचे हैं है ना, जो हाई भी है लो भी है, पहले मेरे को उसको भी एक ही फ्लैट एक ही उसमें लेके आना पड़ेगा ना, बैलेंस उसको भी करना पड़ेगा। सो हम सबसे पहले मैंने अब आपको दिखाता हूँ मैंने इसमें कौन से इफेक्ट लगाए हैं। वन नंबर पर डाल देते हैं इसको। सो आप ये देखो, ये वन नंबर पे है और आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले लगाया ही फ्रूटी लिमिटर है। पहले मैं आप ये देख सकते हो सेटिंग। बेसिकली क्या होता है, मैंने भी जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी थी कि पहले क्या लगाना है कैसे करना है। अब मैंने जो आपको बताया कि हाँ मैंने इस पर इसमें इतनी वैल्यू लगाई, इसमें इतनी वैल्यू लगाई है, सो जरूरी नहीं है कि अगर आप भी उतनी लगाओगे तो आपकी भी अच्छी साउंड करेगी। वो आपकी वोकल्स के ऊपर डिपेंड करेगी, वो आप किसी भी कॉपी कर लो सेटिंग्स, वो वैसे आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं रिस्पॉन्ड दे पाएगी। सो हम इसमें सुनते हैं एक बारी। अखियां नू रहण दे, अखियां दे कोल कोल। सो आप इसमें देख सकते हो पहले मेरा कंप्रेसर लगा, उसके बाद मैंने सब्ट्रैक्टिव EQ लगाया हुआ है, जिसमें कि है जो मेरे लोज हैं मैंने उसको कट किए हैं, और यहाँ पे जो मतलब मेरे वो थे रेजोनेंस कह लो या फिर जो मतलब जैसे कि आप कह लो कि जो मतलब आवाज़ ज़्यादा तीखी थी, मतलब जो भी था मैंने उसको सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया अपनी अपनी वैल्यूज निकाल के। यहाँ पर मैंने लास्ट में भी कर दिया, ठीक है, लो पास कर दिया, स्टार्टिंग में मैंने हाई पास कर दिया था, फिर उसके बाद मैंने मैक्सिमस लगाया, मैक्सिमस का मैंने DSR लगाया हुआ है, ठीक है, उसके बाद मैंने फ्रेश एयर लगाई हुई है प्लगइन जो आपने देखी थी मेरी पिछली वीडियो में, उसके बाद वेव शेपर है, इसका भी काम वैसे फ्रेश एयर की तरह ही है, उसके बाद मैंने फिर से EQ लगाया। इसमें मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा मैंने जो कट किए थे उसको थोड़ा थोड़ा हाई किया कि ताकि वो जो हमारी आवाज़ है वो ज़्यादा दबी दबी मत लगे, थोड़ी सी एनर्जी आ जाए आवाज़ में। फिर मैंने उसके बाद फिर से कंप्रेसर लगाया, आप देख सकते। अखियां नू रहण दे, वो लास्ट में तो मैंने ऑटो ट्यून को किया हुआ बंद, सेकंड और थर्ड में मेरी रिवर्ब और डिले पड़ी है ना। सो सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन क्या था कि हमें सबसे पहले कंप्रेसर लगाना चाहिए कि EQ। सो इसका यही जवाब है, वो आपकी वोकल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पहले कंप्रेसर की ज़रूरत है या आपको पहले EQ की ज़रूरत है। अगर तो आपका गाना एक ही फ्लो में चल रहा है, मतलब फ्लैट है ना, ज़्यादा हाई है ना लो है, तो आप पहले EQ भी लगा सकते हो, बाकी मर्जी आपकी। अगर आपने पहले ऑटो ट्यून लगानी है उसके बाद कोई इफेक्ट लगाना, वो भी मर्जी आपकी। इसमें तो मैंने चलो भाई की आवाज़ में ऑटो ट्यून मैं कम ही लगाता हूँ, बट मैंने फ़िलहाल तो बंद किया था, ये रो वोकल ही थी हमारी। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।